चलिए आज मैं आप लोगों के साथ तंदूरी पनीर की रेसिपी शेयर करती हूँ। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छा है। मैंने 800 ग्राम लिया है पनीर और इस तरह से कट कर लिया लंबे लंबे पीस में। पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। तो तंदूरी मसाला बनाना है, 2 टीस्पून मैंने बेसन लिया है भुना हुआ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम काला नमक, 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून विनीगर। विनीगर की जगह में आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस के ऊपर में मैंने 2 टीस्पून सरसों का ऑयल रखा है हीट होने के लिए। ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है तो इसमें मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी इसमें डाल देंगे। ऑयल को डाल करके मिक्स कर दिया है। 3 टीस्पून मैंने दही लिया है, दही के पानी को छान लिया है, गाढ़ा दही लेना है हमें, और सभी चीज़ को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सभी चीज़ को मिक्स कर दिया है अच्छे से। पनीर के पीस को लेकर के अच्छे से इसके ऊपर में कोट कर देंगे, इस तरह से साइड में रखते जाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फातिमा क्रेजी किचन। पनीर को अच्छे से मसाले के साथ में कोट कर दिया है तो इसे ढक करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो गया, पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इस तरह का सीख ली हूँ मैं, इसके अंदर मैं डालूंगी। आराम से डालना है, टूटे नहीं पनीर। इस तरह से डाल दिया है सीख के अंदर में और सभी को इसी तरह से डाल लूंगी। आप इस तरह के सीख में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो ओटीजी के अंदर में भी डाल करके ग्रिल कर सकते हो। मैं गैस के ऊपर में करूंगी क्योंकि ओटीजी और माइक्रोवेव हर किसी के पास में नहीं होता है, तो इसलिए मैं गैस के ऊपर ही करूंगी। इस तरह से कर लिया है मैंने, सभी पनीर को सीख के अंदर में डाल दिया है तो इसे अभी हमें ग्रिल करना है। गैस के ऊपर ही ग्रिल करूंगी तो चलिए इसे ग्रिल करना स्टार्ट करती हूँ। गैस को ऑन कर दिया है और ये पनीर के सीख को इस तरह से लेकर के सभी साइड से टर्न करके सेक लेंगे। फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे ग्रिल करना है। ग्रिल हो गया अच्छे से, सभी साइड से मैंने टर्न करके अच्छे से ग्रिल कर लिया है तो इसी तरह से सभी को मैं ग्रिल कर ले रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है तंदूरी पनीर खाने में, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और ज़्यादा मसाला भी नहीं है। जो लोग डाइट भी करते हैं ना, वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। हल्का हल्का ही ग्रिल करना है हमें, 1 से 2 मिनट बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं हमें करना है। तो ये भी हो गया है, इसे भी मैं हटा दे रही हूँ और दूसरा कर ले रही हूँ। सभी पनीर को ग्रिल कर लिया है, गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ। तो इसे आप गरम गरम ही सर्व करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, बनाइए और इन्जॉय कीजिए।